पंजाब में जाती गाड़ियों को टैक्सी बनाकर चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा ट्रांसपोर्ट ने गाड़ियों को पकड़कर जुर्माने शुरू कर दिए। 100 से ज्यादा गाड़ियां पकड़ी जा चुकी। फी गाड़ी 2000 रुपए जुर्माने की वसूली। पार्ट टाइम टैक्सी चलाने वालों का शदीद एहतजाज। क्रैकडाउन रोकने का मुतालबा। जमातु दावा के अमीर हाफिज सईद 6 माह के लिए नजरबंद। हाफिज सईद को जोहर टाउन लाहौर में घर पर नजरबंद किया गया। अब्दुल्ला उबैद, जफर इकबाल, अब्दुलरहमान आबिद और काजी काशिफ नियाज भी शेड्यूल 2 के तहत नजरबंद। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक जमातु दावा और जेली तंजीमों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। मुल्तान में बर्बरियत की इंतहा। खातून टीचर को चारपाई से बांधकर जिंदा जला दिया गया। मखदूम रशीद के इलाके में 45 साल की परवीन अख्तर को कमरे में बंद करके आग लगाई गई। खातून ने दूसरी शादी कर रखी थी। पुलिस ने शौहर इकबाल शाह को हिरासत में ले लिया। मोहम्मद जुबैर उमर गवर्नर सिंध मुकर्रर। सदर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। मोहम्मद जुबैर कहते हैं कराची में मुआशी सरगर्मियां बहाल और अमन मजीद मुस्तहकम करना है। सूबाई हुकूमत से मिलकर चलेंगे। जुबैर उमर के बेटे अहसन उमर का कहना है गवर्नर जुमेरात को हलफ उठाएंगे। फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और दीगर की नए गवर्नर को मुबारकबाद। ट्रंप का इमिग्रेशन पाबंदियों का हुक्म। अमरीकी वजारत खारजा के आला हुकाम का एहतजाज। हुकाम एहतजाजी मरासला वजीर खारजा के हवाले करेंगे। पाबंदियों के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और कैनेडा में मुजाहरे। इराक ने भी अमरीकियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। उधर एयर फ्रांस ने 21 मुसलमानों को जहाज से उतार दिया। अमरीका के बाद कैनेडा में भी मुसलमान निशाने पर। क्यूबिक में मस्जिद पर दहशतगर्दों की फायरिंग। 6 नमाजी शहीद, कई जख्मी। 2 गिरफ्तार मुल्जिमों की मराकशी तालिब इल्म अलेक्जेंडर बशनेट और मोहम्मद अल कादिर के तौर पर शनाख्त। अमरीकी सदर ट्रंप का कैनेडियन वजीर आजम को फोन। हमले पर इजहार अफसोस। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत ममनून हुसैन और विफाकी वुजरा ने पुरतपाक खैर मकदम किया। फलस्तीनी सदर की सदर पाकिस्तान और वजीर आजम से मुलाकातें होंगी। महमूद अब्बास और नवाज शरीफ फलस्तीन के नए सिफारत खाने का इफ्तिताह भी करेंगे। नैब ने हुदैबिया मिल्स केस फैसले के खिलाफ अपील क्यों नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने पनामा केस में अटॉर्नी जनरल से जवाब मांग लिया। जस्टिस एजाज अफसल ने कहा वादा मुआफ गवाह बनने के बाद बयान इसहाक डार के नहीं वजीर आजम के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। जस्टिस अजमत बोले क्या ऊंटों पर लाद कर रकम पहुंचाई गई। अदालत में मियां शरीफ की विरासत की दस्तावेजात जमा। महंगाई के मारे अवाम पर बड़ा पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 4 रुपए 16 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपए 29 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी अरसाल। हाई ऑक्टेन की कीमत 12 रुपए 47 पैसे फी लीटर बढ़ाने की तजवीज। लाइट डीजल 12 रुपए 53 पैसे, मिट्टी का तेल 16 रुपए 71 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। कराची में सरकारी जमीन पर कब्जा छुड़ाने के लिए बड़ी कार्रवाई। 4 गैर कानूनी शादी हॉल मिसमार कर दिए गए। केटीए में बाअसर अफराद का राज भी बरकरार। शजील मेमन दौर में मिसमार करदा शादी हॉल की दोबारा तामीर। करंगी में शादी लॉन अहम रहनुमा के दबाव पर दोबारा तामीर किया गया। बारिशों और बर्फबारी का नया स्पेल। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, बाला इलाकों और शिमाली बलोचिस्तान में पहाड़ों पर मजीद बर्फ गिरी। नथिया गली के करीब बर्फानी तोदा गिरने से एबटाबाद रोड ब्लॉक। गुजरांवाला में बारिश की वजह से छत गिर गई। मलबे तले दबकर बाप और 4 बच्चे जान बहा। और क्रिकेट बहुत खेल ली, अब सामाजिक कामों पर तवज्जो दूंगा। शाहिद अफरीदी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से किनारा कशी का इशारा दे दिया। बुम बुम ने बाकायदा रिटायरमेंट का ऐलान अलबत्ता नहीं किया। बोर्ड को सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाने की तजवीज दे दी। खिलाड़ियों को फिटनेस बेहतर बनाने का मशवरा।